नमस्कार, कोविड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ संध्या सेमवाल। उत्तराखंड अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। इन्हें तीर्थ स्थलों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते श्रद्धालु अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि देश के कोरोना महासंकट से बाहर आने पर प्रदेश में फिर से चारधाम यात्रा शुरू हो सकेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट निर्धारित तिथि पर शुक्रवार 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 पर खुल गए हैं। लगन के अनुसार ज्येष्ठ माह कृष्ण अष्टमी तिथि कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र इंद्रधाता योग के शुभ मुहूर्त पर कपाट खुले हैं। कपाट खुलने को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली थी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ द्वार पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर रावल सहित कपाट खुलने की प्रक्रिया से जुड़े लोग मौजूद रहे। कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकारी एडवाइजरी का पालन किया गया। इससे पूर्व 14 मई के दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी सहित श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी एवं गाड़ू घड़ा योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से श्री बद्रीनाथ धाम पहुँच गए थे। इस यात्रा वर्ष कोरोना महामारी का प्रभाव उत्तराखंड के चार धामों पर भी पड़ा है, जिसके चलते चार धाम यात्रा शुरू नहीं हो सकी है, केवल कपाट खोले गए हैं। कोरोना महामारी संकट टलने के बाद शीघ्र चार धाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर ना निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के जिनकी आयु है, या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकलें। इसी में हमारी सुरक्षा है। जो लोग अभी अप्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया आप अपने घर में क्वारंटाइन रहें, उसी में आपकी सुरक्षा है और आपका सरकार के लिए सहयोग भी है। इस महामारी से बचने का यही महामंत्र है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल। उत्तराखंड सरकार कोरोना की जंग लड़ने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, उन प्रयासों में सफल भी होती नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सफल प्रयासों की ताजा अपडेट की जानकारी 15 मई को सचिव शैलेश बगोली द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज तक हमारे पास जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं 212,718 के आसपास हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 82,834 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। इसमें हरियाणा से 16,385,
उत्तर प्रदेश से 14,403, चंडीगढ़ से 7,559, पंजाब से 3,886, महाराष्ट्र से 3,714, राजस्थान से 3,509, गुजरात से 2,963, कर्नाटका से, बेंगलोर से 1,594 और इसी तरह से बाकी अन्य राज्यों से इसमें हैं। जो प्रदेश के बाहर जाने वाले लोग जिन्होंने इस हमारे पोर्टल में रजिस्टर कराया था वो लगभग 33,990 हैं, जिसमें से 16,229 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं। इसके अलावा जो अंतर जनपदीय जो हमारे प्रदेश में परिवहन चल रहा है उसमें लगभग 67,045 लोग एक जनपद से दूसरे जनपद में गए हैं। इसमें जो हमारे अभी तक जैसे आपको जानकारी ही है कि बस की यात्रा के अलावा जो है ट्रेन भी शुरू की गई हैं। इसमें 4 ट्रेन हमारी जो है सूरत से काठगोदाम, पुणे से हरिद्वार, बेंगलोर से हरिद्वार, सूरत से हरिद्वार ये आ चुकी हैं। एक ट्रेन अहमदाबाद से हरिद्वार अभी आज आएगी वो। इसके अलावा जयपुर से हरिद्वार की जो ट्रेन है वो कल चलेगी। पुणे से हरिद्वार भी शीघ्र ही एक और ट्रेन चलाने की संभावना है। इसी तरह से अहमदाबाद से लालकुआ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कल एक ट्रेन चलवाएं आज या कल में। गोवा से हरिद्वार भी एक 17 तारीख है उसके बाद चलाने का प्लान है, और एक और ट्रेन जो है बैंगलोर से लालकुआ हमारा चलाने का प्लान है। इसके अलावा कुछ ट्रेन हमारी जैसे तेलंगाना से उत्तराखंड आने के लिए और केरला से उत्तराखंड आने के लिए ये भी अभी पाइपलाइन में है, इसके बारे में भी बातचीत जारी है और जल्दी ही ये ट्रेन भी हम लोग चलवाएंगे। इसके अलावा बसेस के माध्यम से भी जो हमारे पास के प्रदेश हैं वहाँ पे आवाजाही हो रही है, जैसे कि होशियारपुर से 360 लोगों को लाने का प्लान है। चंडीगढ़ से भी 346 लोग आज आ रहे हैं, और इसके अलावा भटिंडा से लाने के लिए आज हमारी बसें जा रही हैं। और इसके अलावा यूपी में भी जो हमारे पास के क्षेत्र हैं, जो पास के ज़िले हैं, वहाँ से हम लोग बसेस में लाने का प्लान कर रहे हैं, उसको स्टेजेस में करेंगे। और जो हमारे ईस्टर्न यूपी के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं वहाँ से हम लोग ट्रेन के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल से भी ट्रेन के माध्यम से लाने का प्लान किया जा रहा है। जो बाहर के प्रदेशों के लोग, खासतौर पे यूपी और बिहार के लोग जो और वेस्ट बंगाल के लोग जो हमारे प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी देहरादून से लालकुआ से हम लोग ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको उनके राज्यों में भेजा जा सके। जल्दी ही उनका एक कंसेंट आ गया है, जैसे बिहार का एक कंसेंट आ गया है तो हम रेलवे से बात कर रहे हैं। यूपी का कंसेंट अभी नहीं आया है तो यूपी का कंसेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि ट्रेन कई बार ऐसा होता है कि आती है, जैसे वेस्ट बंगाल से हम लोग बात कर रहे हैं, इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं ट्रेन आएगी और वापस उधर ही को जाएगी, जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो उसी तरह की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि जैसे ट्रेन यहाँ से अगर लेकर के जा रही है तो वहाँ से फिर वेस्ट बंगाल से जो हमारे उत्तराखंड के लोग फंसे हैं उनको लेकर के आए। लेकिन कई बार ट्रेन इस तरह से नहीं चलती कि वहाँ से यहाँ आई और फिर वापस गई, वो यहीं पर डिसअसेंबल हो जाती है या कहीं और जाती है, तो उस तरह से प्लानिंग हो रही है। देखिए ये विभिन्न शहर हैं जहाँ के लिए हम लोग मांगा हुआ है, हमने उनको बताया कि ये जो जाना चाहते हैं वो किस किस ज़िले के हैं यूपी में, उसी हिसाब से यूपी अपना प्लान बताएगी कि इनको किन किन शहरों में उतारा जाए, उसी हिसाब से हम लोग कंसेंट मांगेंगे। थैंक यू। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को प्रदेश में वापस लाने के लिए उत्तराखंड सरकार घर चलो अभियान के तहत प्रयास कर रही है। हाल ही में ट्रेन द्वारा भारत के अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को घर लाया गया, जहां लोगों को क्वारंटाइन और स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया की जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को सकुशल प्रदेश लाने का प्रयास उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से COVID-19 लॉकडाउन के कारण बेंगलोर में फंसे यात्रियों को विशेष ट्रेन से हरिद्वार लाया गया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यात्रियों की लाइन लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। बेंगलोर से हरिद्वार ट्रेन से रवाना होने से पूर्व यात्रियों का बेंगलोर से भी मेडिकल परीक्षण किया गया। मेरा नाम प्रेषिता है और मैं बेंगलोर से आई हूँ, देहरादून जाना है मुझे। थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट, हम उदयपुर में फंसे हुए थे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने बहुत केयर और प्रोटेक्ट के साथ हमें होम क्वारंटाइन पे घर भेज रहे हैं। कोरोना के चलते जहां आज पूरा देश बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं, ऐसे में लोगों की सोशल मीडिया पर निर्भरता और भी अधिक बढ़ गई है। लेकिन
कई ऐसी वायरल खबरें हैं जो गलत तथ्यों के साथ सामने आ रही हैं। ऐसी ही कुछ फेक न्यूज पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक व्हाट्सएप मैसेज में ये दावा किया गया कि 1990 से 2020 तक जिन मजदूरों ने काम किया है उनको श्रम मंत्रालय द्वारा 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा गलत है। श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई दावा, ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई है। एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार मैसेज फेक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा परीक्षा की तिथियों की जानकारी आज शाम 5 बजे जारी की जाएगी। एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों में एक भ्रामक संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि अलीराजपुर में गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार अलीराजपुर की कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कहा कि जिले में जरूरतमंदों को समुचित मात्रा में राशन वितरित किया गया है। तो कोविड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि अब आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए, जो है hopddkddun@gmail.com। तो वहीं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक और नए अंक में, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।